ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टीसीएस के बारे में बात करेंगे, इसका जो नया रिजल्ट आया वो देखेंगे, कैसा इसका रिजल्ट रहा और आगे क्या करना चाहिए इसमें वो भी देखेंगे, और बाद में हम चार्ट पे देखेंगे कौन से इसके सपोर्ट रहेंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस रहेंगे और चार्ट हर फिलहाल क्या बिहेव कर रहा है। सो आपको आइडिया है कहाँ आप पोजिशन ले सकते हो और कहाँ आप पोजिशन में एग्जिट हो सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कंपनी के थोड़े फंडामेंटल जान लेते हैं, बाद में फाइनेंशियल देखेंगे और बाद में चार्ट पे क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो अभी हम देख रहे, तो एक्सेलेंट क्वालिटी की कंपनी है, एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस कंपनी का हम सेल्स देख रहे, तो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 11.43, बाद में नेट डेप टू इक्विटी रेशियो देख रहे तो नेगेटिव नेट डेप्ट है, मतलब एक अच्छा पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। बाद में हम देख लेते प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 2.94 है, ये इतनी भी ज्यादा नहीं है कि इस शेयर पे ये इफेक्ट करे, लेकिन है एक बात की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी गिरवी रखी हुई। बाद में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब पहले हम टीसीएस के क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नेट सेल्स है आपको, वो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 2.25% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट में भी 0.95% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है पिछले क्वार्टर से। बाद में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 1.05% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है पिछले क्वार्टर से, मतलब क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो इसमें आप नेट सेल्स देख रहे, तो इसमें आपको 6.75% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में आपको 0.16% की अपसाइड दिखाई दे रही है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 0.28% की अपसाइड दिखाई दे रही है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल, मतलब जो अभी हाल फिलहाल जो नए रिजल्ट आए थे वो। तो जो नए रिजल्ट है वो मेरे को बहुत सही लग रहे हैं, मतलब आपका नेट सेल्स भी अप जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अप जा रहा है और नेट प्रॉफिट भी अप जा रहा है, तो किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। तो जो हमारे रिजल्ट आए वो अभी अच्छे आए हुए इस क्वार्टर में। तो अब हम आ चुके हैं टीसीएस के चार्ट के ऊपर, तो टीसीएस का चार्ट आप देख रहे हो, इसमें आपको एक सडनली अपसाइड दिखाई देने को मिली। बाद में क्या किया इसने, कंसोलिडेट, बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है हाल फिलहाल। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, तो पहले हम इसका सपोर्ट देख लेते, बाद में रेजिस्टेंस देखेंगे और लास्ट में मैं अपना व्यू दूंगा। तो पहले आप देख रहे हो, तो इसका जो मेन सपोर्ट होगा वो क्या होगा, ये राइजिंग सपोर्ट लाइन होगी, जो ये रेड कलर की है वो। अगर ये ऊपर जाके ये नीचे आता है इस लाइन के आसपास से, फिर से कोई अपसाइड जाने का सिग्नल देता है, तब भी आप इसमें बाय कर सकते हो, मतलब ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट हुआ। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो जो हमारा सेकेंड सपोर्ट होगा वो होगा 1970 का लेवल, जो ये ग्रीन कलर की लाइन है। अगर ये इसके भी आसपास से कोई क्या है कि अपसाइड जाने का सिग्नल देता है, तब आप इसमें बाइंग साइड ले सकते हो। आई थिंक ये जो 2000 और क्या है कि 1970 का जो जोन है, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। अगर ये डाउन साइड आया तब की बात है, अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया, तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा, मैं दूसरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको जोन की तरह ले लिया, तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो 1780 के जैसा होगा। अगर ये 1780 के जो लेवल है उसके आसपास से कोई अपसाइड जाने का सिग्नल देता है, तब भी आप इसमें अपनी बाइंग बना सकते हो। इसके बाद का जो लेवल है वो बहुत दूर है, लेकिन अगर हम इसका डिस्कस करें तो इसके बाद का जो लेवल होगा वो 1600 का लेवल हो, लेकिन वो दूर है, तो उसको हम क्या है कि अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं लेंगे। तो ये थे हमारे क्या है कि सपोर्ट, जो हमारे सपोर्ट होगा जो पहला होगा वो जोन की तरह मैं रखूंगा 2000 से लेके 1980 तक या 17 तक। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो जो बाद में हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो 1780 होगा। तो ये हो गई सपोर्ट के बारे में बात। अगर मैं रजिस्टेंस निकालू, हाल फिलहाल जो मेरे को चाहिए क्या रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस में निकालू, तो इसमें जो आप देख रहे हो मेन रजिस्टेंस है, देखो एक बार इधर से नीचे आया था, एक बार इधर से, एक बार इधर से, इधर से, इधर से, मतलब 5 या 6 बार, अभी 6ठी बार है, 5 या 6 बार ये इस जोन से नीचे आ चुका है।
और जो ये लेवल है मेरे हिसाब से 2300 का लेवल है, एक जोन की तरह है, लेकिन मैं हाईएस्ट अपर की साइड देखूं तो ये 2300 का लेवल आ रहा है। तो अगर ये प्रॉपर 2300 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तब भी आप कुछ कर सकते हो। तो जो हमारा 2300 का लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह हाल फिलहाल के लिए वर्क कर रहा है। तो ये हो गए हमारी ओर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं इसमें बाइंग करना चाहता हूं तो कहां करूंगा, तो मेरा दो बाइंग ऑप्शन होंगे इसमें। या तो जो ये जोन है 2000 के आसपास वाला जोन है उसके आसपास अगर ये अपसाइड जाने का सिग्नल देता है तब, या तो मैं क्या करूंगा 2300 का जो लेवल है उसको ब्रेक होने का वेट करूंगा। अगर मेरे को 2300 का लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक होता हुआ दिखता है तो बाद में मैं इसमें एंट्री लूंगा। वो क्यों लूंगा, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, देखो ये आपको वन डे पे भी देख सकते हो और वन वीक के भी देख सकते हो, तो अगर आप इधर देख रहे हो तो आपको इधर क्या है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, एक अप ट्रेंड, बाद में एक असेंडिंग ट्रायंगल, एक रेड लाइन और जो ऊपर वाला जोन है, ये जो जोन है उसके बाद ये दोनों को मिलाकर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है। तो अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल प्रॉपर क्या है कि बना देता है, उसका ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तब भी आप इसमें बाइंग में आ सकते हो। इसके लिए आपको 2300 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो इधर भी आपको एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप प्रॉपर ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। अपने हिसाब से अपने चार्ट में ड्रॉ करके रखो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कल यानी कि मंडे, तब आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन जो मेरे लिए होगा स्विंग पोजिशनल या लॉन्ग टर्म किसी भी के लिए, तो इसके लिए मैं 2300 का लेवल प्रॉपर ब्रेकआउट होने दूंगा। तो ये हो गए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टीसीएस में। अगर हम आरएसआई एंड एमएसडी देखें, उसका हाल फिलहाल क्या रोल है वो देख लेते, तो हम पहले आरएसआई देख लेते। तो आरएसआई आप देख रहे हो तो हाल फिलहाल 56.02 के लेवल पे खड़ा है, मतलब ये इतना ज्यादा ओवरबॉट भी नहीं है और इतना ज्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, मतलब एक मीडियम रेंज में है। अभी हम एमएसडी के बारे में बात करें, तो अगर मैं एमएसडी को हाल फिलहाल देखता हूं तो ना तो इसमें मेरे को बियरिश व्यू दिख रहा है ना तो बुलिश व्यू दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन साथ में आ रही है। शायद इधर से ये नेगेटिव भी मूवमेंट स्टार्ट करे या पॉजिटिव भी मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर कि ये हो क्या रहा है, चार्ट पे क्या हो रहा है, इंडिकेटर पे क्या रहा है। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो तब की बात है, मैं पर्सनली इंडिकेटर यूज नहीं करता। ये तो क्या है कि लोग बोलते हैं कि नहीं आप आरएसआई और एमएसडी भी बताया कीजिए, सो हमें आइडिया, इसीलिए मैं ये बताता हूँ, लेकिन जो मैं हूँ प्रॉपर चार्ट ही यूज करता हूँ। तो ये अभी एमएसडी देख रहे तो ना तो इसमें बुलिश व्यू मेरे को कोई दिखाई दे रहा है ना तो बियरिश व्यू। मैं एमएसडी पर्सनल की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन एक साथ में आ गई। तो जब भी दोनों लाइन एक साथ में आ जाती तो मेरा कोई व्यू एमएसडी में नहीं रहता। तो ये था आपका एमएसडी एंड आरएसआई, दोनों अपनी तरह से सही है, मतलब ना तो ओवरबॉट है ना तो ओवरसोल्ड है एमएसडी, ना तो बुलिश व्यू में ना तो बियरिश व्यू में। तो आप देखिए जहां भी आपको प्रॉपर आइडिया आए कि नहीं मैं इधर से एंट्री ले सकता हूं, तो वहां आप एंट्री लीजिए, अपना स्टॉप लॉस लगाइए और अपने टारगेट भी सेट कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग में या जो भी है। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपके टारगेट बड़े होंगे। तो ये था हमारी ओर से छोटा सा एनालिसिस टीसीएस के ऊपर। और मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर ये आप कुछ ले रहे हो तो ये मेरी एनालिसिस पे या दूसरी कोई एनालिसिस पे मत लीजिए, पहले आप कुछ देख रहे हो ओके, नौ बात को आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को जानते हो उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है, लेकिन पहले आप अपनी भी एनालिसिस कीजिए उसमें। ऐसा नहीं होता कि उसने बोल दिया या मैंने बोल दिया तो आप बाय करने लग रहे हो, समझ गए। आप अपनी भी एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लगता है तभी आप कोई ट्रेड बनाइए। वो ट्रेड बनाते समय आपके एसएल होना जरूरी है, जहां पे भी रखो लेकिन एसएल होना जरूरी है। अगर आपको अपना कैपिटल सेव करना तो एसएल रखिए। तो ये था हमारी ओर से छोटा सा वीडियो टीसीएस के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।